अक्सर आपने हेलीकॉप्टर तो बहुत देखे होंगे और शायद आपने इन पर सफ़र भी किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि हेलीकॉप्टर में कौन सा ईंधन डाला जाता है? तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि हेलीकॉप्टर में कौन से ईंधन का उपयोग किया जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाएं और ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, हेलीकॉप्टर में साधारण तेल नहीं डाला जाता, बल्कि इसमें एक विशेष प्रकार के ईंधन का उपयोग किया जाता है, जिसे एविएशन फ्यूल कहा जाता है। एविएशन फ्यूल को एयरक्राफ्ट के उपयोग के लिए बनाया है। इसे क्रूड ऑयल द्वारा बनाया जाता है, इसलिए यह साधारण तेल की तुलना में कई गुना महंगा होता है। इसमें विभिन्न तेल शामिल होते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि। हेलीकॉप्टर में कौन से ईंधन का उपयोग करना है, यह पूरी तरह से हेलीकॉप्टर में लगे इंजन पर तय किया जाता है। अगर हेलीकॉप्टर में पेट्रोल पिस्टन इंजन लगाया है तो इसमें एविएशन गैसोलीन का इस्तेमाल किया जाता है। एविएशन गैसोलीन को एविएशन स्पिरिट और एवोगैस के रूप में भी जाना जाता है। अगर हेलीकॉप्टर डीजल पिस्टन इंजन वाला है तो इसमें डीजल और केरोसिन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हेलीकॉप्टर में गैस टरबाइन इंजन लगा है तो ऐसे हेलीकॉप्टर में केरोसिन आधारित फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे जेट फ्यूल कहा जाता है। साथ ही इसे एविएशन टरबाइन फ्यूल भी कहा जाता है। यह पूरी तरह से शुद्ध केरोसिन से बनाया जाता है। जेट फ्यूल के दो प्रकार होते हैं, जेट ए और जेट ए वन। जेट ए फ्यूल का उपयोग सबसे ज्यादा यूएस में किया जाता है। जेट ए फ्यूल -40°C पर जमता है, जबकि जेट ए वन फ्यूल -47°C पर जमता है। हेलीकॉप्टर जमीन से लगभग 10 किलोमीटर ऊंचाई पर उड़ता है और इतनी ऊंचाई पर तापमान हमेशा माइनस रहता है, जिसके कारण साधारण तेल जम जाता है। इसलिए हेलीकॉप्टर में जेट फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि ईंधन जम ना जाए। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।